बेचारे के वक्त भी जब कप, कप्तानी के रिजल्ट खराब जा रहे थे तो शादाब और रिजवान के नाम सामने आने शुरू हुए थे लेकिन मैं ये ये कह रहा कि एक तो जब ये टूर्नामेंट से पहले ये काम जब स्टार्ट हो रहा होता है ना hmm. तो दिस ऑटोमेटिकली पुट्स यू अंडर अ फर्दर माइक्रोस्कोप फिर उसके अलावा सिचुएशन ये है कि पांड्या की देर विल बी अ जेन नाउ आफ्टर दिस बिकॉज एशिया कप वर्ल्ड कप टू बैक टू बैक फेलियर्स ओवरऑल इन टूर्नामेंट्स

इंडिया कैप्टन चेंज करता है विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को लाता है दे कीप टॉकिंग अबाउट गैन वी कीप सर्कलिंग बैक टू द सेम वी की दे कीप टॉकिंग अबाउट इंटेंट समटाइम्स पाकिस्तान की टीम के ऊपर जो डिस्कशन होती है और इंडिया की टीम के ऊपर डिस्कशन होती है वो काफ़ी सिमर होती है एंड समटाइम्स इट इज़ सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग एज अ क्रिकेट वॉचर के जितनी फ्रेंचाइज़ टी ट्वेंटी क्रिकेट वो लोग खेलते हैं अगेन क्योंकि इंडिया में खेलते हैं उनको चाहिए अपने प्लेयर्स को बाहर भी थोड़ा एक्सपीरियंस दें लेकिन जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट वो अपने मुल्क में खेलते हैं उसके बावजूद वैन दे कम टू इंटरनेशनल टी ट्वेंटी क्रिकेट ऑल ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटेशन गोज आउट ऑफ द विंडो दे रिवर्ट टू क्लासिकल स्टाइल ऑफ प्ले इंडिया में जो नरेटिव है आई वॉज ऑन वन ऑफ देयर शोज अबाउट अ कपल ऑफ ईयर अगो एंड उसमें उसके ऊपर था कि ये ऋषभ पंत ने बहुत स्कोर किया था नया नया उस टाइम तो उनका नैरेटिव यह था कि जितना मर्जी स्कोर कर लिया प्लेयर तो नहीं है कि गिर जाता छक्का मारते हुए ठीक है और फिर आप सीनियर सूर्या कुमार यादव अभी स्कोर कर रहा है तो किसी ने इतना नहीं नुक्स निकाले लेकिन इससे पहले उस पर भी बहुत तनकीद होती थी कि यह सिर्फ छोटी टीमों को मारता है या ये कोई इतना खास प्लेयर नहीं है एंड अभी भी आई थिंक देर देर वर सम थ्रेड्स ऑन अब हाउ सूर्या कुमार इज एंड देट प्लेयर उनका सेम हमारे वाला मसला इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग प्लेयर्स है कि उनकी जेन में एक सर्टन आर्की टाइप ऑफ क्रिकेटर है और वो आर टाइप ऑफ आ क्रिकेटर है कि तीनों फॉर्मेट खेल ले वेर एज यू लुक एट टीम लाइक इंग्लैंड जिधर एलेक्स हेल्स ने आई थिंक लास्ट टाइम कोई वनडे खेले हुए पाँच साल हो गए हैं उनको ठीक है या एंड ही कम्स इन टू दिस वर्ल्ड कप एज अ सो फार आई थिंक आप जितने भी ओपनर देख हेल्स हैज बीन द बेस्ट ओपनर इन दिस वर्ल्ड कप क्या एंड आप अगर कहें कि जी नई बॉल स्विंग होती है ये वो इस पे तो आपको प्रॉपर टेक्निक चाहिए तो एक बंदा है जो कहता है कि मैंने तो अपनी टेक्निक कम्प्लीटली टी के लिए चेंज की तो I mean, the results are there for you. So, it's surprising for a country that focuses so much on their premium brand T T20 tournament, domestic IPL. When they come to international, they want an archetype uh, of a player who can bat in all three formats, which doesn't make sense. Then they keep going back to orthodox spin. Yeah. Whereas the need these days is that you have to a wrist spinner, ho, orthodox spinner. Bhi ho to ho, मिचल सैटनर टाइप अजीब स्पिनर हो के जो कि बस बॉल ऊपर फेंक देता है ठीक है यानी कि ही इज़ नॉट कन्वेंशनल ठीक है आई मी आई मीन यू सॉ द स्टार्ट राइट अगर वो एटी माइल एटी के पी एच से काम पर बॉल करा रहा है तो ही गोज एट अंडर फाइव रन पर ओवर इज दैट बिकॉज ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट यू विल कॉल प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड दे कीप गोइंग बैक टू कन्वेंशनल थिंग्स इन इंटरनेशनल टी ट्वेंटी क्रिकेट एंड दे इट वॉन्ट वर्क ठीक है इट कॉन्ट वर्क लाइक दैट और जब भी उनके लिए काम किया तो अनकन्वेंशनल चीज़ें काम की जसप्रीत बुमराह हो गए अर्शदीप आउट ऑफ यू नो नॉट आउट ऑफ नोवियर ही अ ग्रेट थ्री सीजन अ ग्रेट थ्री आई पी एल सीजन इन इज योर बेसिकली स्टैंड आउट परफॉर्म स्टैंड आउट परफॉर्मर एज अ बॉलर इन दिस टूर्नामेंट बट वैन एवर देव गॉन बैक टू बीन कन्वेस्टनल इन दिस फॉर्म एट डजेंट वर्क इन टेस्ट एंड ओडिया ये बट इन दिस फॉर्म एट दैट डजेंट वर्क और uh, अब इंग्लैंड का मैच होगा अगेंस्ट पाकिस्तान इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन इट विल बी एन एक्साइटिंग वन ऑब्वियसली इट्स इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल उसके हम कोशिश यही करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको एक डिटेल्ड उसका बिल्डअप और एक एनालिसिस ज़रूर दें क्योंकि कोशिश होगी कि मैचअप्स के साथ हो और जो हमने इस मैच से लेसन सीखे हैं उन पर भी हम जरूर हाईलाइट करेंगे एक सवाल मेरा आपसे है आप तो तब कुछ सोलह सिक्सटीन सेवनटीन ईयर्स ओल्ड होंगे सही जा रहे हैं आठ साल का था क्या कर रहे हैं ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड एट द टाइम तो नाइनटी टू का वर्ल्ड कप का फाइनल किस किस का हुआ था

बात है रिहान जो मुझे थोड़ी सी uh, मतलब हम लोग कैटेगोरिकली बात कर रहे थे आई थिंक डीप डाउन ऑल ऑफ़ अस फेल्ट कि इंडिया अगर पाकिस्तान के लिए फाइनल में आता है तो दैट इज अ टीम विच वुड बी परफेक्ट फॉर पाकिस्तान टू टेक ऑन मैं अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम एनी थिंग मैं हमेशा कहता हूँ फाइनल तो यू हैव टू प्ले अगेंस्ट टीम टू वेन राइट यू प्ले अगेंस्ट लेकिन बट ऑनेस्ट क्वेश्चन Honest question. I would, would have preferred. Please? I would have preferred and India. And please don't be politically. I'm telling you, I would have preferred India. How many PSL finals has Islam, uh, Multan Sultans reached? Uh, two. Two, right? In both of them, deep down, you would have had a preference.

जो एक बॉलिंग है जिसमें कहीं पर सकते हैं और डेविड वीजा के वगैरह जो है वो मेरे तो समीन भाई से चल रहे हैं भाई अगर आप ये शो सुन रहे हैं नहीं तो हम आपको काट के क्लिप भेज देते हैं <laughs> इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड और कलंदर्स के मैच से पहले आपको फोन करके कहा था कि मैच आता हम हमारा आपसे फाइनल हो <laughs> ये गए <अभी चलाकी laughs> <करते है> <laughs> और आज इन्होंने शो पे देखे क्या बोले नहीं बट दूसरा बात है लॉर इज जस्ट बेटर टीम आजा चलते हैं अच्छा <laughs> थोड़ी सी मैं इधर कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहा हूँ कि द लेसन टू बी लर्न हमने रिसेंटली हमारे पास एक वो सात टी ट्वेंटीज का भी एक सैम्पल uh, साइज है जिसके अंदर मैं ज़्यादा इंग्लैंड uh, के बैटर्स पे नहीं जाऊँगा क्योंकि सवाए हेल्स के और मोइन अली के बाकी तो मोर लेस आई थिंक आई मीन हेरी ब्रोक वालसो मान बट इन इन तीन के अलावा तो आई आई मीन मीन पर सॉल्ट सॉल्ट भी भी खेले खेले थे थे वो फिल इन इन सब ने पाकिस्तान की की बॉलिंग फेस हुई है का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इनका एक्सपीरियंस है जो मेरे लिए कुछ एक दो तो पॉजिटिव थे उन सात मैचेस में आए नो आखिरी दो मैचेस बड़े उसरा थे द वे पाकिस्तान रशीद इन पाकिस्तान

डॉट बॉल तो आपकी रफली सेम ही रहेंगी तो जो वन है उसको में कन्वर्ट करोगे तो आपका ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा स्कोरिंग रेट ठीक है आ, रिहान बारिश की भी बड़ी है देखिए बारिश अगर दो दिन होती है तो पाकिस्तान है। 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 लेकिन हम तो है ना हम तो, है। और अगर पाकिस्तान जीतता हार जाता है फिर भी So, तो फिर फिर वर्ल्ड चैंपियन नहीं, नहीं 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 <laughs> आप उससे भी कुछ हम दिलों के है। आ, जो हमेशा अच्छा हम मैं तो मुझे मुझे तो एक मुझे और, मुझे एक और और अक्सर मुझे कहते ना कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारने के बाद जो है फाइनल में पहुंच पहुंचे वो भी आयरलैंड से हारे थे